हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये था दिवाली का दिन, तो सुबह बस यही तोरण वगैरह लगा रहे थे गेट पे। छोटी दिवाली वाले दिन ले आए थे, ये फूल माला हुआ और ये तोरण हुआ, तो यही वो सब लगा रहे थे हम लोग। फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, थोड़ा 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 आप लोगों के लिए मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया। और इन्होंने फिर ठाकुर जी को नहलाया। अभी कपड़े वपड़े मैंने चेंज नहीं किए थे, क्योंकि ना सफाई वफाई करनी होती ना, तो फिर कपड़े मैंने सोचा चलो बाद में ही चेंज करूँगी। बस यहाँ पे ठाकुर जी को जो है वो नहला रहे हैं, और फिर बस दूसरे कपड़े वगैरह पहनाएंगे। उतने में मैंने मेरा काम कर लिया था, जैसे कि सफाई हुआ सब कुछ। और खाना खाने में सिर्फ सुबह को मैंने बनाया था दाल और चावल, फिर क्योंकि शाम की भी सारी तैयारी करनी थी और अन्नकूट की भी मुझे सारी तैयारी करके रखनी थी। तो मैंने छोले हुआ, चने हुआ और ये राजमा और सब भिगो दिए थे, ताकि दोपहर तक मैं इनको उबाल के रख सकूं। क्योंकि सब्जियां ऐसे कुछ ज़्यादा घर पे थी नहीं, आलू था और गोभी थी, तो गोभी मैंने नहीं चढ़ाई, बनाना नहीं था मुझे, क्योंकि मेरे पापा और बहुत ज़्यादा मानते थे ठाकुर जी को, तो वो गोभी गाजर गोभी ऐसा नहीं खाते थे, क्योंकि ग से होता ना गा गो गो, तो वो वाली चीज़ मुझे करनी नहीं थी, इसलिए मैंने छोले चने और भिगो दिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज है दिवाली, दिवाली की सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस अभी ना मैंने सारी तैयारी कर ली, साफ सफाई कर ली थी, अब मंदिर भी सजाना है, मतलब पूजा लगानी है। अभी उससे पहले थोड़ा सा रंगोली बनाएंगे, रंगोली पाउडर तीलू का बहुत मन था, तो यहाँ पे बना रहे हैं ताकि उड़े नहीं इस वाले रूम में। और मैंने सारी तैयारी कर दी है, शाम के खाने के लिए दही वड़े हो गए, आटा लगा के रख दिया है और सब्जी काट के रख दी है, ठीक है। और अभी मुझे मिठाई बनानी बाकी है, तो केसर बर्फी मैं बनाऊंगी। और कल के अन्नकूट की भी आधे से ज़्यादा तैयारी मैंने कर दी है, मतलब कर दी है, लेकिन मेहनत तो उतनी ही लगेगी कल भी, लेकिन तैयारी थोड़ी सी की भी हो ना तो सही रहता है। तो चलो अभी बनाते हैं रंगोली। तो बस यहाँ पे जो है रंगोली हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास कलर गलत आ गए थे, पता नहीं उन्होंने कैसे कलर दे दिए, गीले गीले अजीब से लग रहे थे, वो फैल ही नहीं रहे थे, वरना बहुत सुंदर सी रंगोली मैं बनाती, लेकिन बन ही नहीं रही थी क्योंकि गीली थी, गीला नमक होता है ना वैसा सा मुझे वो लग रहा था ये सब, तो इस वजह से फिर ये बनी नहीं। फिर भी अब इलू की इच्छा थी, तो मैंने कोशिश की कि भाई किसी तरीके से बना दूँ। इलू ने भी देखा, यार मम्मी ये तो इतने गंदे कलर है कि फैल ही नहीं रहे, तो हम फिर बन ही नहीं रहे थे, तो फिर कैसे बनाते, तो भी हमने पूरा बना दिया एक बार, थोड़ी छोटी मोटी छोटे मोटे बना दिए। इलू ने शूट किया कि देखो पापा सो रहे हैं, बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर। तो बस ये देखिए फ्रेंड्स, कैसी रंगोली हमारी बनी है। एक्चुअली हमारे साथ धोखा हो गया। जब हम जहाँ से हम लाए थे ये खोले तो गीले हैं ये, और कुछ चींटियाँ भी आ रही हैं, मुझे तो लगता है कि या तो ये नमक का है, ऐसा नमक सा लग रहा है या कुछ है ऐसा इसमें, कुछ तो खाने का। ये देखिए आप, चींटियाँ आ रही हैं इसमें, और ना ये बिल्कुल फैल भी नहीं रहे, दिखाऊँ बिल्कुल गीले से हैं ये, तो क्या पता नहीं कैसे कलर हैं, पता ही नहीं है पैकेट के अंदर। बिल्कुल अच्छी डिजाइन हो जाती है। हाँ वैसे हम कर ही नहीं पाए क्योंकि ये हो ही नहीं रहे हैं, तो चलो फिर भी बन गई थोड़ी सी, इसलिए ऐसे ही बना दी, इलू का मन था इसलिए। लेकिन ये कलर बहुत गंदे बद्दे हैं। चलो अगले काम करें, मिठाई बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी लिया है, और ये 1 कप के करीब दूध जो है डाल दूँ। केसर डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो देखो इतना अच्छा कलर आ गया और टेस्ट भी आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके दूध डालूँगी और दूध और घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उबाल आ जाएगा, तब तक मैं इसको पकाएंगे। फिर मैंने इसमें डाला है 1.5 कप के करीब मिल्क पाउडर, ठीक है 1.5 कप डाला है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ ना पड़ें, ध्यान रहे बिल्कुल इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। फिर इसको ऐसे ऐसे पकाते जाना है जब तक कि गुठली ख़त्म ना हो जाए। फिर थोड़ा सा ये इसमें क्या करेंगे, चीनी का पाउडर डालेंगे, पाउडर चीनी डाल रही हूँ मैं, 3/4 कप के करीब शायद मैंने डाली है इसमें, और इससे के इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर ये थोड़ी देर में गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा, और ध्यान रहे बिल्कुल मध्यम आंच पे पकाना है, नहीं तो ये जलने लगता है, नीचे लग जाएगा ना तो फिर वो जल जाएगा,
तो अच्छे से इसको ऐसे ऐसे पका लेना, लगातार चलाते हुए पकाना है। फिर जब ये थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, तब हमें इसे निकाल लेना। अब देखो थोड़ी देर और पकाऊंगी बस मैं, और बस फिर ये हो चुका है लगभग। इसमें ग्रीस की हुई ट्रे में मैं इसमें डाल दूंगी इसको, ठीक है। गैस ऑफ मैंने कर दिया और ये देखिए हो गया हमारा केसर बर्फ़ी के लिए तैयार हो गया है। तो ये मैंने जमा दिया। अब इसमें बादाम जो है वो ऊपर छिड़क दूंगी और फ्रिज में जमने के लिए 20-30 मिनट में ही ये जम जाएगा और फिर इसकी बर्फ़ी जो है हम कट कर लेंगे। तो हमारी केसर बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। फिर शाम का टाइम हो गया था तो लक्ष्मी जी के पैर बनाने थे, रोल ही मेरे पास थी नहीं, बिल्कुल कम थी पूजा लायक। तो फिर मैंने क्या किया, रंगोली ये जो पोस्टर कलर होते हैं ना बच्चों वाले, उससे मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए, 8 जैसे बनाया और इसके अंगूठे लक्ष्मी जी के और 4 उंगलियाँ इस तरीके से बनाई। वरना मैं रोली से मैंने आपको बनाना बताया था ना मेरे दूसरे चैनल पर, तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास रोली थोड़ी कम थी इस वजह से, क्योंकि पूजा में भी होनी थी। तो फिर इस तरीके से मैंने लक्ष्मी जी के पैर हर दरवाजे पे बना लिए थे और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि बीच में भी मैंने बहुत सारा काम किया। देखो आलू गोभी टमाटर की सब्जी बनाई, अन्नकूट की तैयारी की, खूब सारी तैयारी करनी थी ताकि नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाए। फिर भी बनाते बनाते ना अन्नकूट करते करते 1:30, 1 तो बज ही जाते हैं, इतनी तैयारी करने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन टाइम तो उतना ही लेती है ना वो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थक गई थी। थोड़ा थोड़ा ही मैंने शूट किया है तो हर जगह पर ये पेयर मैंने बना दिए थे। और फिर ये देखिए मंदिर को भी सजा दिया था। अभी तो और सारी चीज़ें आएंगी ना, दिए आएंगे, बाकी सारी चीज़ें, तो और ज़्यादा ये भर जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल हल्का ही रखा है इस बार, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ, हल्का फुल्का ये साड़ी पहन ली है, ये जो मैंने आपको दिखाई थी ये देखिए, बाद में पूरा लुक दिखा दूँगी। अभी मैं पूजा करके आती हूँ और उसके बाद देखते हैं थोड़ा बहुत, और तो कुछ है नहीं, बस पूजा कर लेंगे, खाना वाना खा लेंगे, तो चलो पूजा करने चलते हैं। बस फिर मैंने थोड़ी सी पूड़ी वूड़ी बनाई ना भोग के लिए, सारा कुछ दही बड़े पूड़ी, और उतने में थोड़ी बहुत मैं तैयार और हो रही थी, और बाकी जो भी बड़ा वाला दीपक और सब तैयार किया, उतने में फिर इतने इन्होंने इस तरीके से सजा दिया था सारे दीपक और ये जितनी भी चीज़ें फल फ्रूट्स हुए, सारे हटड़ी वगैरह होती है ना जिसमें खील मखाने और होते हैं, बड़ा वाला दीपक हो गया, थोड़े से पटाखे भी रखने होते हैं, इस तरीके से पूरा लक्ष्मी पूजन होता है, जितने भी हमारे गहने वगैरह होते हैं वो इस तरीके से। फिर बस हल्के से पूजा कर ली थी, जैसे जो जो होता जा रहा था वैसे वैसे बस कर ली पूजा, और बस जितना शूट हो पाया उतना आप लोगों के लिए शूट कर लिया। आप लोगों की दिवाली कैसी रही ज़रूर से बताइएगा। ये वाली साड़ी जो मैंने पहनी है ये मुझे जागृति की मम्मी ने दी थी शादी में, तो मैंने फिर ये आज यूज़ ली, क्योंकि अगर कोई हमें देता है तो उसे ज़रूर से उसका मान रखने के लिए यूज़ लेनी चाहिए। तो आज के दिन के लिए ही मैंने इसको रख रखा था। ब्लाउज़ मैं लेके आई थी, आपको बताया था ना मैंने सिटी से रेडीमेड, तो बस इन्होंने ये कुर्ते पजामे पहन ली थी, ईलू ने वो लहंगा पहन लिया था। ईलू भी अब पूजा करेगी, ये थोड़ी सी मुझसे नाराज़ हो गई थी, इसलिए जितना जैसे जैसे तैयार हुए ना, क्योंकि हम लेट हो गए थे थोड़े पूजा में, मुहूर्त तो अलग था लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी होती है, साथ में अन्नकूट की भी तैयारी मैंने की थी, तो थोड़ा सा लेट हम हो गए थे पूजा में। फिर बस ये दीपक वीपक जलाए सारे रखे और बस इस तरीके से जो है दिवाली को सेलिब्रेट किया। ये देखिए सारे दिए जला देंगे, फिर फोटो सेशन भी किया था, फ़ोटोज़ भी मैं आप लोगों के लिए लास्ट में ऐड कर दूंगी आरती वारती की इस तरीके से। बस फिर रंगोली में दिया रख रहे थे, साथ ही पिक्स भी क्लिक करवाते जा रहे थे, क्योंकि आजकल होता क्या है ना, हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में ध्यान रहता है और पिक्चर्स हम क्लिक कर ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए साथ साथ में ये भी करवा रहे थे। और बाकी सारे हर कोने पे दिया जो है वो रख देंगे। बाकी मैंने ज़्यादा शूट ही नहीं किया, कुछ भी मैंने शूट किया ही नहीं है ज़्यादातर, बिल्कुल हल्का हल्का इन लोगों ने जितना जो कर दिया ना, बाकी पूरे दिन काम बहुत किया, इसके बाद ज़्यादा कुछ किया ही नहीं था बस यार।
खाना वाना खा लिया, और पटाखे भी जो है पिछले साल के भी कुछ रखे थे लेकिन वो फुस फुस से हो गए थे। बाकी फूलझड़ी ले आए थे, हालांकि बैन था लेकिन फिर भी इलू की बहुत अच्छा थी तो फूलझड़ी लेके आए। तो एक दो अनार और एक चक्री बस चलाई होगी और कुछ भी नहीं किया, फिर बस टीवी देख लिया, थोड़ा सा अनुपमा देख लिया, और क्योंकि लाइटिंग तो हम लोग पहले ही देख आए थे पिछली रात ही, तो फिर आज की रात हम कहीं पे भी नहीं निकले और निकलना सेफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी भी कुछ पता नहीं है कब कब वायरस आ जाए घर में, किसके साथ आ जाए, कैसे आ जाए, सब्जियों में आ जाए, ग्रॉसरी में आ जाए, कुछ भी नहीं पता है। तो बस ये फूलझड़ियाँ जलाई, थोड़ी सी छुटकू छुटकू वाली फुलझड़ी थी ये, बड़ी वाली नहीं थी, चिरपिल वाली, क्योंकि बड़ी वाली पिछले साल की रखी थी लेकिन वो जल नहीं रही थी, तो ये बिल्कुल छुटकू सी थी, ज़्यादा थी भी नहीं हमारे पास। और अभी राजस्थान में तो पूरी तरीके से ही बैन था पटाखों पे, फिर भी हमने थोड़ा बहुत, लेकिन लोगों ने फिर भी जलाए पटाखे, पता है फिर भी जलाए थे, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। हम लोगों ने बस एक दो अनार, दो तीन और एक चक्री बस, और कुछ भी नहीं किया। नियमों की तो देखो धज्जियाँ उड़ती उड़ती हैं, तो बस ऐसे ही किया, वो भी इलू की खुशी के लिए। बाकी इस बार की दिवाली वैसी ही दिवाली रही नहीं रही मुझे नहीं पता, बट हाँ निकल गई। चलो अब नेक्स्ट डे जो है अन्नकूट करेंगे, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। होम ट्यूर भी जो है आप लोगों से शेयर करना है, वो भी बनाया हुआ रखा है। और आज है अन्नकूट, तो आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की, अन्नकूट की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये व्लॉग आ जाएगा, फिर होम ट्यूर आ जाएगा, ऐसे करके आप लोग भी बिजी होंगे, है ना, इसलिए ना मैं बस छोटे छोटे डाल रही हूँ। यहाँ पे कुछ पिक्स जो है वो क्लिक की थी, वो ऐड कर रही हूँ साथ ही में। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।